भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ का रायगढ़ शहर 1 जून से प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर होने जा रहा है। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में जहां 14 राज्यों की रामायण मंडलियों ने अपना पंजीयन करवाया है, तो वहीं इंडोनेशिया, कंबोडिया और नेपाल की रामायण मंडली भी इसमें शामिल होने आ रही है। महोत्सव के अंतिम दिन डॉक्टर कुमार विश्वास के आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण अपने अपने राम का सत्र भी होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस आयोजन में शामिल होने वाली मंडलियां अरण्य कांड पर आधारित प्रस्तुति देगी, जिसमें प्रभु श्री राम के वनवास काल का जिक्र होगा। इस आयोजन को लेकर सरकार खासी उत्साहित है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। श्री राम का मुद्दा, गौ माता का मुद्दा, ये हमारे लिए कभी राजनीति के मुद्दे नहीं रहे, ये हमारे आस्था और विश्वास और श्रद्धा का विषय रहा है। और काज ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण में लगातार रोड़े अटकाए, राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया, और आज यदि भगवान राम पर उन्हें भरोसा हुआ है तो वो दिल से और आस्था से हो, दिखावा के लिए और राजनीति के लिए ना हो। पिछली सरकार को 15 साल का समय मिला था और मैं सोचता हूँ कि 15 साल का समय कुछ कम नहीं होता है। हमको तो केवल अभी 5 साल का समय मिला है और इस 5 साल में भी 2 साल कोविड में चला गया और लगभग 6 महीना पहले से लोग चुनावी मूड में आ जाते हैं। 2-2.5 साल का ही समय हमको मिल पाया और उसमें हमने जहाँ पर अपनी संस्कृति को स्थापित और जीवंत बनाने का काम किया। अब तक प्रभु श्री राम के नाम पर भाजपा सियासत करती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसे ये मुद्दा हाथ से छिनता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भाजपा को राम वनगमन परिपथ से लेकर चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में है। रायपुर से INS247 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।